देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने जहां जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी के साथ साथ सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल के जवान आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से दो दो हाथ करते हुए भी नजर आए। मध्य पूर्व के इस देश में सरकार बदल गई है, नए प्रधानमंत्री हसन दीप की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन यहाँ हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी बेरूत की सड़कें लड़ाई के मैदान की तरह दिख रही हैं। बता दें कि लेबनान में पिछले साल अक्टूबर में सरकारी तंत्र में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को बेरोजगारी, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से तंबाकू और व्हाट्सएप पर टैक्स के ऐलान के बाद यहां हिंसा भड़क उठी थी। 21 अक्टूबर को देश भर में हड़ताल भी हुई और 12 लाख लोग सड़कों पर उतरे। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए पीएम की नियुक्ति हुई और जिसके बाद ही यहां प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा।